नाजरीन हम इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद हैं। यहाँ पर मुरब्बे की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे क्या हालात हैं, किस तरह का फल इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों की पर्सनल हाइजीन क्या है, जरा अंदर जाकर हम देखते हैं। कहने को ये मुरब्बा तैयार करने वाली फैक्ट्री है, लेकिन सफाई और स्ट्रक्चर नाम की चीज सिरे से मौजूद ही नहीं है। खाने की अशिया इतने गंदे हालात और गलीज जगह पर तैयार की जा रही हैं कि देखने वाले को उबकाई आ जाए। यहाँ पे किस किस्म के फलों से मुरब्बा तैयार किया जा रहा है, सफाई के क्या इंतजामात हैं और क्या हालात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन इस सारे एरिया की आप जरा सफाई की सूरत हाल मुलाहिज़ा कीजिए, यहाँ पे किस हद तक गंदगी है, गलाज़त है। ये वो वाला प्रोडक्शन एरिया है जिसमें ये मुरब्बे तैयार किए जाते हैं, ये वो वाला मुरब्बा है जो पूरे पाकिस्तान में यहाँ से टनों के हिसाब से तैयार करके आगे भेजा जाता है। फलों के मुरब्बे ताकत, सेहत और एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हकीम हजरात मरीजों को खास तौर पर शिफा हासिल करने के लिए मुरब्बा खाने की तलकीन करते हैं। हर मुरब्बे की एक अपनी अफादियत है, वो फल के हिसाब से है। मसलन सेब का मुरब्बा है, वो दिल के लिए तकवियत का बायस है, और गाजर का मुरब्बा है जो नज़र के लिए बड़ा मुफीद है और दिमाग को बड़ी तकवियत देता है, आपकी लॉस ऑफ मेमोरी में बड़ा उसका एडवांटेज है। और इसी तरह हरीड है जो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ की भी शिकायत है जो कि उमुल अमराज है, तो उसमें हरीड का मुरब्बा जो है बड़ा मुस्तफीद है। अब फंगस लगे फलों, मक्खियों और कीड़ों के मिक्सचर से तैयार किया गया मुरब्बा तो शिफा की बजाय जहर का काम करेगा, लेकिन लोगों को इल्म ही नहीं कि उनके साथ मौत का खेल खेला जा रहा है। नाज़रीन ये जो बड़े बड़े देगचे नजर आ रहे हैं, इसमें वो शीरा तैयार किया जा रहा है जो मुरब्बों के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट का काम करता है, जिसे बड़े शौक से आप लोग खाते हैं, वो इन जगहों पे, इन बर्तनों में, इन गंदे तरीन हालात में तैयार किया जा रहा है। मुरब्बे के लिए शीरा तैयार करने वाले बर्तन देखकर यूं लगता था जैसे उनको कभी धोया ही नहीं गया। शीरे के साथ साथ उन बर्तनों में मक्खियां और कीड़े मकोड़े भी उबल रहे थे। ये अंदर आपको मुख्तलिफ इसमें भी साथ साथ कीड़े फ्राई होते हुए अंदर उबलते हुए आपको वाजे नजर आएंगे। ये सारे वो ड्रम्स हैं जिसमें ये फल रखा हुआ है, वो फल जिससे मुरब्बा तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले तो नाजरीन को मैं दिखाऊं कि ये ऊपर किस हद तक ये मच्छर, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े, हशरातुल अर्ज यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि ये वो सेब हैं जो यहाँ पे इन्होंने गलाने के लिए रखे हुए हैं, अंदर कीड़े तैर रहे हैं, अंदर इसको फंगस लगी हुई है, बदबूएं उठ रही हैं। हाँ जी, इसको देखिए, ये देखिए नाजरीन, ये ऊपर कीड़े रींग रहे हैं, ये अंदर मरे पड़े हैं कीड़े, ये देखिए ये अंदर कीड़े। ये कीड़े इतने ज्यादा हैं और मक्खियां हैं, फंगस है, बदबू है, ये सारी ये मक्खियां और ये कीड़े मरे हुए हैं। अंदर से दिखाइए, मक्खियों और कीड़े मकोड़ों की फौज देखकर तो यूं लग रहा था कि जैसे मुरब्बा बनाने के लिए ये निहायत अहम और जरूरी अज्जा हैं, और मुरब्बे में उनकी मौजूदगी इजाफी विटामिन्स का काम करती है। मेरा इसकी तरफ देखने को नहीं दिल कर रहा, यहाँ पे आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि किस हद तक इस ड्रम में गलाजत मौजूद है और कीड़े मौजूद हैं। इसको अगर मेरा कैमरा अच्छी तरह एक्सपोज कर सके और आपको असल मंजर दिखा सके तो शायद आप भी ना देख सकें, अपने दिल पे जबर करके भी ना देख सकें, क्योंकि इस हद तक इसमें बदबू है, गलाजत है, गंदगी है। ये अगला ड्रम दिखाइए, हर ड्रम पहले से ज्यादा गंदा है, हर ड्रम पहले से ज्यादा गलीज है, और उसमें इतनी बदबू है, फंगस लगी हुई है, इस हद तक अंदर गलाजत है।
फैक्ट्री के मालिक को खुद ले जाकर जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर दिखाए गए, लेकिन बेहिसी का ये आलम तो उसको शर्मिंदगी का एहसास तक न हुआ। कोई भी रंग गलत ना करना, जिस दिन को ऐसी चीज आ गए उस दिन आप लोग देखे कोई बात अखलाकी नहीं की, अखलाकी ना करना। आपसे बारी बारी पूछते हैं। फैक्ट्री का मालिक बजाहिर बड़े आराम से और मीठी जबान में बात कर रहा था, लेकिन उसके मीठे लहजे में छुपी हुई कड़वाहट और धमकी आमेज लहजा उसके फरेब ज़्यादा चेहरे को बेनकाब करने के लिए काफी था। यानी प्रोसेस है, जे जो बनना जितने स्टेज होगा ना उखना ही ठीक ही होगा। अब वहाँ पे तो आप जाहिर है उसको खुश शक्ल बना देंगे, वहाँ पे ये सारी गंदगी उतार देंगे, उसमें से जो कीड़े मकोड़े हैं वो निकाल देंगे, उसकी गलाजत साइड पे कर देंगे और कहेंगे कि आप बड़ी खूबसूरत है। पहले वाले प्रोसेस को ना देखें कि हमने किस तरीके से बनाया, ठीक। इस हद तक अंदर से बदबूएं उठ रही हैं, इस हद तक उसमें फंगस लगी हुई है, कीड़े हैं, आप उसे कहते हैं कि इस चीज को आप नजरअंदाज कर दें, आपको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इस तरह की आप कमाई से आप लोगों को आप खिलाए जा रहे हैं। ऐसी है सामने है, कोई ऐसी चीज नहीं है ये जड़ी, मतलब तिब्बे यूनानी है ये जो, ये कोई गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, इसके बगैर बनता नहीं भाई जान। इस तो बगैर नहीं है बनता, मतलब अच्छा कीड़े वगैरह बाहर निकाल के फेंक देंगे और बाकी इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी सारे दी बड़ी सफाई करांगे सी। कीड़े जरूरी हैं, कोई उसमें कोई इजाफी तायर जेड़ा माल सर नंगा रह गया ना उतो नहीं, आप ढकने उतारे हैं हमने, तो मैं ढकने उतारे हैं तुसी अगर ओदे जेड़ा पानी। अच्छा आओ, ड्रमों में पड़े पड़े अगर फलों को फंगस लग गई है या उन पर मक्खियां और कीड़े मकोड़े चिपके हुए हैं तो मालिकान की बेशर्मी और डिटाई देखिए। उनका कहना था कि ऊपर वाले गंदे फलों को निकाल कर बाकी का फ्रूट इस्तेमाल कर लिया जाएगा, सिर्फ इस्तेमाल ये ऊपर वाला फेंक देंगे उतार के। सबसे पहले इसका ये पैरामीटर्स है कि जिस जगह पे आप ये मुरब्बा तैयार कर रहे हैं वहाँ मक्खी मच्छर और ये पतंगे और ये जो हशरात हैं इनका आने का रास्ता बंद किया जाए, और फिर उस कमरे को रोशनदान पे भी उसके जो है ना वो जाली लगाई जाए ताकि उसके जरिए भी कोई चीज़ अंदर ना आए। फंगस इस दौर में सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है जिसका ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रीटमेंट नहीं है। इस फंगस की वजह से सोराइसिस होता है, इस फंगस की वजह से कैंसर तक होता है, और ख़ासकर जो ऐसा फंगस वाला मुरब्बा इस्तेमाल करेंगे उनको आंतों की सिल्दिक टीबी होने का खदशा है, और IBS जो हमारी एक इरिटेट बॉल सिंड्रोम की डिज़ीज़ है वो भी ये क्रिएट करता है, बजाय मुरब्बा फ़ायदा देने के लिए उल्टा कई और बीमारियों का मौजब बन जाता है। हर चीज़ आपको इस ड्रम में वाज़े नज़र आएगी, और इन्होंने इसको साफ़ करना है, इसको धोना है, इसको उबालना है, और उबाल के एक बेहतरीन खुश शक्ल खुशनुमा मुरब्बा एक खुशनुमा पैकिंग में तैयार करके आपको दे देना है, और आप लोगों ने बहुत शौक से यही मुरब्बा खाना है, इस गलीज तरीन जगह पर तैयार किया गया। ये देखिए इसके बारे में क्या कहेंगे जी? तीन असी बहाने तो नहीं, नहीं हाँ, ये नहीं। क्या चीज है फिर ये, क्या ये वेस्ट है, वेस्ट है ये, वेस्ट आपने इस तरह पैक करके बाहर है माल है, देखो इधर वेस्ट बाहर वापस करना है, देखो की लिखा है। बात ये है कि वेस्ट पैक कौन करके रखता है, ठीक है जी, ये पैकिंग है, अंदर पैकिंग दिखाते हैं हमारा, अंदर पैकिंग भी मैं देख के आया हूँ। अंदर आपका क्या ख्याल है, अंदर कीड़े नहीं होंगे? अंदर नहीं, कीड़े माल के नहीं ना है, माल में कीड़े नहीं होंगे अंदर, इंशाल्लाह नहीं होंगे। जो अगर अगर वहाँ पे निकल आए फिर क्या कहोगे? फिर क्या, फिर फांसी हो जाएगी सरकार, जेड़ा माल यानी आप कहते हो कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा सरकार, अगर कीड़ा को होता है ना शुरू का कोई असर नहीं है, असि जालियां रखियां ने, जालियां दे विच उनु पुण लीदा कीड़ा नहीं बेचदा, कीड़ा कड़ खांदा नहीं, कीड़ा तो आगे अगर असि के पास नहीं ना जाता। सरकार मेरी गल सुन लो, अगर अगर असि मुरब्बा किसी ने देने या तुसी लेंदे हो तुसी कीड़ा वाला लवोगे? फैक्ट्री मालिकान बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे थे, उनका माल बिल्कुल साफ है और कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी रूटीन की बात है, उन्हें इस बात पर कतई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि उनका कहना है कि माल पैक करते वक्त छान लिया जाता है और उनके ख्याल में इस तरह सारे मुज़िर असरात ज़ाहिल हो जाते हैं। ये जो देखने में बज़ाहिर गटर की तरह की गंदगी और गलाजत है इधर ऐसी खाने पीने वाली जगह पे, इसको क्या कहेंगे? फॉलो करो, इधर कोई भी चीज ऐसी नहीं जड़ी इथे बन रही है, ये गंदगी बाहर से आई गई, इथे नहीं बन रही सर कोई, ये गंदगी कहाँ से आई है? सोने सोने घर बनाए होंगे ने तुसा शहर उ, अगले दिन सर कुछ ना कुछ मिट्टी घटा आ जाता है,
फैक्ट्री में गंदगी, बदबू, मक्खियों और गलाजत के साथ साथ दीवारों और छतों पर जगह जगह धूल, मिट्टी और जाले नुमाया नजर आ रहे थे। ये आमला है, आमले का मुरब्बा, इसमें भी देखें आपको ये मुख्तलिफ परवाने आपको अंदर फ्राई हुए हुए आपको नजर आएंगे। ये अंदर मुख्तलिफ किस्म की आपको कीड़े मकोड़े वो भी अंदर साथ ही इसमें उबलते हुए आपको नजर आएंगे जी। इसमें कोई इजाफी गिजाइत और विटामिन शायद शामिल हो जाते हैं इससे। ये वो करौंदे हैं जो हर मुतन्यन का मुख्तलिफ किस्म के जो मीठे चावल हम लोग तैयार करते हैं उसका अहम जुज है। आप देखें इसमें किस हद तक अंदर उसमें मक्खियां हैं, उसमें हशरातुल अर्ज हैं, इसमें कितनी गंदगी है आप वो देखिए जरा जी। यानी कोई भी ऐसा ड्रम नहीं है जिसमें ये अंदर गंदगी और गलाजत और हशरातुल अर्ज ना हो। इनको देख लीजिए, ये ओले का मुरब्बा है, आमले का मुरब्बा है, जरा इनकी आप हालत देखिए। ये जो ऊपर एक बड़ी तय है ये सारी ये कीड़ों की है, ये मक्खियों की है, ये ऊपर इधर साइडों पे भी अंदर मरी हुई हैं, अंदर भी इसमें आपको मरी हुई नजर आएंगी। और जिसको ये बड़ी ही ढटाई से, बेशर्मी से, बेहिसी से, बेजमीरी से ये कहते हैं कि जब हम पैक करेंगे हम इसको छान के अलहदा कर देंगे, आप तक जो जाएगा उसमें ऐसी कतन कोई चीज़ शामिल नहीं होगी। ये उस वक्त बड़ी ढटाई से कह देते हैं और उनको इस बात पे कतन कोई शर्मिंदगी नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है कि हम ये क्या चीज़ बना रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। ये जो लिखा हुआ आपने हिफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक, क्या ये है हिफ्जाने सेहत के असूल? जेनुइन गल खा के तो सेहत ठीक ही होगी, खराब नहीं होगी। नाजरीन ये एक और ड्रामा है जी। उफ, ये नाजरीन जो मुख्तलिफ किस्म की हम स्वीट डिशेज में मिक्स मुरब्बा इससे हम डालते हैं, आप देखें उसका आलम देखें। ये अगला आप डब्बा देखिए, यानी कोई भी आप उठा के देख लें हर एक में आपको गंदगी नजर आएगी, गलाजत नजर आएगी, यहाँ पे इतनी ज्यादा बीमारियां नजर आएंगी और पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं, ये कोई छोटा कारखाना नहीं है। यहाँ पे हजारों की तादाद में इस तरह के ड्रम मौजूद हैं, टनों के हिसाब से यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स और फल मौजूद हैं जिससे ये चीज़ें बना रहे हैं। ये जो नॉन कॉम्पिटेंट किस्म के लोग हैं जिनका तिब से ताल्लुक नहीं है और इस फील्ड में वो तजारती बुनियाद पे आए हुए हैं और कमर्शियल बेस पे वो जब ये चीज़ें लॉन्च करते हैं तो वो जो तिब के पैरामीटर्स हैं उनका ख्याल नहीं रखते। सबसे पहले तो इसमें मेन चीज़ है कि जो फल की क्वालिटी है वो वही होनी चाहिए जो हम घर में खाने के लिए लाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुरब्बाजात बनाने वाली कंपनीज हैं जितने मार्केट में गले हुए वो फल हैं, सेब अगर गला हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखना है कि हमारा जो मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचे हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जो जिसका दिल चाहे जो काम कर ले, जाने सेहत के असूलों के मुताबिक इसको तैयार करने में जो तबीब मुआवन कर सकता है वो एक लेमैन नहीं कर सकता। नाज़रीन ये जो सारे बड़े बड़े यहाँ पे टब्स पड़े हुए हैं, ये पैन्स पड़े हुए हैं जिसमें सेब का मुरब्बा तैयार किया जा रहा है, आप देखें कि इसमें भी आपको भरमार नजर आएगी। उसी तरह ही यहाँ पे हशरातुल अर्ज की, यहाँ पे मक्खियों की, गंदगी की हर चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये खुला जो पड़ा हुआ है इसमें आपको जगह जगह पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। ये देखिए खाने की अशिया तैयार करने वाली फैक्ट्री के मालिकान की जहालत का ये आलम है कि वो इस बात से ही बेखबर हैं कि फूड आइटम्स को हिफ्जाने सेहत के किन उसूलों के तहत तैयार किया जाता है। उन्होंने तो शायद अपना ही कोई फार्मूला बना रखा है। नाजरीन ये जो कमरा है ये हरीड़ का मुरब्बा जो है
वो इस कमरे में तैयार किया जाता है। हरीड़ का मुरब्बा बहुत महंगा बिकता है। हरीड़ का मुरब्बा जिस ड्रम में रखा गया है, जरा उसकी आप हालत देखिए और उसके अंदर आप कीड़े मकौड़े देखिए। ये सारी ऊपर ये मक्खियां और कीड़े ये अंदर मरे हुए हैं। ये आपको यहाँ पे लाखों की तादाद में ये अंदर मक्खियां मरी हुई आपको नजर आएंगी। ये सारी ये जो तय है, ये जो ऊपर एक कंबल लिपटा हुआ है, ये कंबल या और को कपड़ा नहीं है, ये अंदर कीड़े हैं, ये मक्खियां हैं अंदर, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े हैं अंदर जो मरे हुए हैं अंदर। आपका क्या नाम है? इजाज़ साहब, आप मालिक हैं? हाँ जी। आप कहते हैं कि हमारा जो तैयार मुरब्बा है उसमें कोई आपको कीड़ा नजर नहीं आएगा? नहीं आए। ठीक है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? भरना देना भाजी है, टीन दे विच भरना, टीन दे विच जरा भरना है वो वेखो। अच्छा, जब टीन में भरेंगे तो ये कीड़े निकाल देंगे? बिल्कुल, और तो कोई नहीं, जालियां लगी ना, जाली दे विच सारा पुनिया जांदा। इसकी वजह से अगर वो जहरीला हो जाए, नुकसानदेह हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इससे क्या, शहद की मक्खी है ये किसी के काबू में नहीं आती, जब आती है तो किसी के काबू में नहीं आती। अच्छा, ये जालियां जाली वगैरह लगाई है फिर भी कोई ना कोई आ जाता है, वो ये कोई ना कोई वाली चीज है, यहाँ लाखों की तादाद में है। सर क्या करिए, शायद की मक्खी है, कुदरती आफात है ये, क्या इसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम? तो आपको बताओ, एंड प्रोडक्ट देखें, उसमें कोई आपको कीड़ा आप कहते हो कि नहीं होगा? इंशाल्लाह पीछे जितने मर्जी कीड़े हो उनकी खैर है। मैं जिस लेवल पे कहता हूँ वो ठीक है, हजारों ऐसे मिसाले नहीं, वो आता है कुदरती फात आती है, बारिश आती है, कौन कंट्रोल करता है? आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है? शर्मिंदगी तुसी हुण सानू प्रेशर च ले आके गल हार करवा रहे हो, शर्मिंदगी क्यों महसूस करी? आप अपने तौर पे आपका कोई जमीर क्या कहता है? चीनी दी की सूरत हाल एक दिन हुंदी, अगले दिन साडा सारा काम चीनी नाल लिंक। तो इसलिए आपने कहा कि बंदों को वैसे ही मार दो? नहीं, बंदों को सारे दे मारने वाली कोई चीज नहीं है। वो हरीड़ के मुरब्बे के अंदर हजारों लाखों की तादाद में अंदर कीड़े थे। वो तैयार नहीं, जेड़ा तैयार है ना, तैयार वाला ही अभी दिखाया मैंने, आओ आपको भी चल के दिखाता हूँ। देख लिया तू समझो शायद। मालिक खलोते ने उन्होंने गल करो, साढ़े ना तुहाडे ना कोई हक नहीं बनता गल करन। क्यों जी? क्यों कि असीं मजदूर बंदे हां, सानू नहीं पता है जो कोई मालिक देंदे ने, उन्होंने पूछो जाके की शै वे की नहीं शै, तुहाडे ना साडा कोई हक नहीं बनता बहस करन दा। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स भी गुलामाना रवैया इख्तियार करने पर मजबूर हैं और अपने मालिक के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जरा पैसे देंदा रोजी देंदा ओदे खिलाफ असी गलत गल कोई गल करदे ही नहीं है। शमशाद साहब, क्या आपको पता है कि ये जो सारी आपकी फैक्ट्री में जगह जगह पे नीले ड्रम इस्तेमाल हो रहे हैं, ये नीले केमिकल के ड्रम है, इसमें कोई भी फूड प्रोडक्ट ना ही रखी जा सकती है थोड़ी देर के लिए भी, ना ही उसको आगे कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी हर तरह से बड़ी सख्ती से ममानियत है कि किसी भी फूड में ये इस्तेमाल ना हो। क्या आपको इस बात का इल्म? नहीं, मेरे इल्म में नहीं। मुरब्बे की तैयारी के लिए कटे हुए फलों को नीले रंग के उन ड्रम्स में रखा गया था जो खतरनाक किस्म के केमिकल्स के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं और जिनमें खुराक की किसी भी किस्म की चीज रखना कानूनन जुर्म है। शबीर साहब, क्या कहेंगे, क्या आपने देखा जब आप आए थे यहाँ पे और अब क्या हालात है? अभी तो इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई कर ली है। अगर आप इनको पहले आके देखते, जैसे हमने इन पे पहले छापा मारा था, तो यकीन करें यहाँ पे दाखिल नहीं हो जा रहा था, इतनी स्मेल थी ये फ्रूट्स की और इसके कीड़े मकोड़ों की, इतनी स्मेल थी दिमाग ख़राब होने वाला हिसाब हो गया था। चोरी, एक से सीना जोरी, ऊपर से आप ये देख लें कि ये खाने के काबिल है, जिस ड्रम को, जिसमें केमिकल्स वाले ड्रम हैं, ये
इसको इसमें बिल्कुल कतन इनको इजाजत नहीं है कि ये इसमें इसको बनाए मरबा जात को, लेकिन उसमें बना के भी जो गंदगी जो मक्खियों ने जो कीड़े मकोड़ों ने हशर कर रखा है उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि आवाम तक जब ये जाएगा इसको छान के इसको साफ करके आवाम को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में सिर्फ दो फूड इंस्पेक्टर तैनात हैं। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला के फूड इंस्पेक्टर जनाब हुमायूं भट्ट और माजिद बाबर साहब, इनसे हम पूछते हैं कि इनकी क्या ऑब्जर्वेशन है। इसमें देखने वाले कोई चीज नहीं, सब सारा सिस्टम इनका बिल्कुल खराब है और टोटली अनहाइजेनिक सिस्टम है इनका सारा। असल में शहर में गाहे बगाहे इनके खिलाफ कार्रवाई होती रहती है और ये अपना सेटअप शहर से उठा के शहर से दूर ले आते हैं ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सकें। तो इंशाल्लाह इधर भी कार्रवाई होगी, इसको माल भी जाया करवाएंगे इनका और जितना मैक्सिमम स्ट्रिक्ट एक्शन होगा इनके खिलाफ होगा। इतना गलीज बहुत ज्यादा। आप देख लें कि इसके बाद कोई आदमी मरबा खाने की कोशिश करेगा। बाइकाट ही करना चाहिए, लेकिन किसी अच्छी जगह से लेके मरबे को खाना चाहिए, ऐसी बाजारी आम मरबा नहीं खाना चाहिए। जरूरत इस अमल की है कि लाहौर की तरह गुजरांवाला और मुल्क के दीगर शहरों में भी फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट कायम किए जाए ताकि आवाम की कीमती जानों और उनकी सेहत के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो पैकिंग है, वो आप देखें कि किस हद तक दीदा जेब है, किस हद तक खुशनुमा है। इसके ऊपर आप देखें वो कहते हैं ताज़ा पेठा, चीनी, प्रिजर्वेटिव, सिट्रिक एसिड फ्लेवर और मंजूर शुदा रंग से तैयार शुदा खालस पेठा है। हर चीज़ यहाँ पे आला म्यार हमारी पहचान। आप देखें कि किस हद तक आला म्यार था इनका और इनकी पहचान भी आज हो गई है। ये तो सर साढ़े को है नहीं कमियां कताइयां, असी इनू इंशाल्लाह दूर करांगे। कमी बेशी असी इनू दूर कर लवांगे। तुसी सानू दसो साडी रहनुमाई करो, अफसर हो तुसी दसो असी करन नू तैयार। अंदर से आपको कोई शर्मिंदगी नहीं, आप अपने आप को समझते हो कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आपको कोई कतन कोई शर्मिंदगी नहीं है। जान छुड़ाने के लिए फैक्ट्री के मालिक ने अपनी हर गलती तस्लीम कर ली, लेकिन उसके लापरवाह रवैये से यही जाहिर हो रहा था कि इस सारी कार्रवाई का उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। पर नहीं, मैं रहूंगा, मैं उस गल नू तस्लीम कर रहा हूं।